हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कोई ये वीडियो वगैरह नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं कोशिश करूँगी एक ब्लॉग बनाने की, डेली ब्लॉग बनाने की, मतलब पूरे दिन का जो दिखाते हैं ना जिसमें, तो वो बनाने की आज मैं कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो मैंने छोटे छोटे डेली ब्लॉग बनाए हैं, वो मैं अपने शॉर्ट्स पर डालती हूँ, बट दिस वन विल बी अ फुल फ्लेज्ड वन। एंड आज मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आज आ रहे हैं मेरे पापा एंड मनीष भैया एंड सामने अंकल थे। आज का इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आज एंड देयर आर पीपल लुकिंग एट मी, एंड आज का मैं इसलिए बना रही हूँ बिकॉज आज मेरे पापा आ रहे हैं एंड मनीष भी आ रहे हैं। यस, तो आज वो लोग आ रहे हैं, पापा भी 10-11 बजे से झांसी पहुँच जाएंगे एंड वहाँ से फिर मनीष भैया भी उनको ज्वाइन कर लेंगे ट्रेन में एंड वो रात तक आ जाएंगे। सो आज का ब्लॉग इसलिए बना रहा है, आज थोड़ा सा स्पेशल है, आज थोड़ी सी मैं खुश हूँ मनीष भैया आ रहे हैं। मुझे मतलब मनीष भैया के साथ मेरी भारत आता, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मतलब वो वैसे तो मेरे भैया हैं, भैया भी क्या, मतलब वो 9-10 महीने उससे बड़े हैं, बट कुछ बचपन में हमें बहुत ज़्यादा खेला है। और मतलब अभी बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था हमारे बीच में, बट अभी 4-5 साल से ना अगेन वी आर वेरी क्लोज। हम बहुत ज़्यादा अपनी, मतलब आई शेयर विद हिम एवरीथिंग, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग मैं अपनी उनसे शेयर कर देती हूँ, वो भी मुझे बताते हैं। सो वेरी एक्साइटेड उनसे मैं ऑलमोस्ट 1 साल के बाद मिलती हूँ। मैं ना झांसी लास्ट फरवरी में गई थी एंड दिस इज मार्च, तो मैं मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के बाद उनसे मिलती हूँ। एंड पापा से तो मैं अभी अगस्त या सितंबर में मिली थी, तो पापा भी आ रहे हैं। आई एम हैप्पी। उसके साथ साथ मैं आज आपको अपना पूरा दिन भी दिखा दूँगी, मेरा बोरिंग सा दिन क्या क्या मैं करती हूँ। खास ऐसा रूटीन है नहीं, बोरिंग का वही नॉर्मल शेड्यूल है मेरा। सो यार लेट्स, अभी तो मैंने नहा लिया है, सुबह अभी 9:30 हो रहे हैं, तो थोड़ी देर में मुझे ऑफिस निकलना है। तो मैंने नहा लिया है, मेरे बाल थोड़े से सूख रहे हैं एंड कपड़े तो नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग टुडे। अभी ऑफिस जाऊँगी, ऑफिस में काम धाम करूँगी, शाम को आऊँगी, फिर मनीष भैया का इंतज़ार करूँगी। सो चलो अब मैं थोड़ा सा रेडी कर हो जाती हूँ, थोड़ा सा खाना वाना खा लेती हूँ और फिर मैं निकलूँगी ऑफिस के लिए। मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ, आई हैव चेंज्ड, मैं दूसरा टॉप पहन लिया, मम्मी को वाला टॉप पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने दूसरा पहन लिया एंड आई एम नाउ गाइस। अभी हमारा ना लंच टाइम चल रहा है, दिस इज शालिनी, यू ऑल नो, एंड हमने खाना तो खा लिया है। अभी मैं ना थोड़ा सा एक शॉप पे जा रही हूँ, यहाँ ना वो क्या बोलते हैं फैक्ट्री मटेरियल मिलते हैं, तो उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा कुछ सामान देखना था। तो 3-4 दिन पहले जब मैं गई थी तब तो था नहीं, तो अभी देखती हूँ है या नहीं है। ये दिखाना एक बार मुझे यार, ये वाला कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ब्लैक अच्छा लगेगा या फिर ये ब्राउन? ब्राउन वाला ना, है ना, ब्राउन अच्छा लग रहा है ना। ये ले ले, दो तीन कौन से हो गए, छह हो गए ना, ये दो ये डबल ये एक ले ले, बस ये वाला, ये वाला ले लेंगे ना बाद में आ जाएंगे ना। ये कितने हो गए, मेरे पास 5 हो गए, पांच हो गए, पांच पांच। ये क्या क्वालिटी शर्ट्स है, गाइस मैंने ये ले लिया है। वैसे तो मैंने कल की पिकनिक के लिए लिया है, कल हमारी ऑफिस के सभी लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, बट आई डोंट नो मैं कल इसको पहनूंगी नहीं, बट देखो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको पहनूं, बट लेट्स सी। मैं आ चुकी हूँ घर पर और कोई नहीं है, मम्मी वीडियो बन रही है तुम्हारी, और मेरी मम्मी बना रही है रसगुल्ले, रसगुल्ले फॉर मनीष भैया एंड पापा। पापा मनीष भैया के लिए बना रही हो, और अभी मैंने अजीत को फोन कर दिया है, तो अजीत जल्दी से अपने सिलाई ब्रिटी से आ रहा है, फिर मैं अजीत और शालिनी जाएंगे शॉपिंग करने, अजीत को कपड़े लेने हैं प्लस मैंने भी कपड़े लेने हैं, तो अभी मैं जाऊंगी शॉपिंग करने। 7:30 तो बज गए हैं, अभी थोड़ा 10-15 मिनट में अजीत आएगा फिर हम निकलते हैं, ये पास में ही मार्केट है। कि तुमको वो कह क्या रही थी, और तुम व्हाई आर यू इन सो मच, व्हाट इज इट कॉल्ड अजीत, स्वेट।
यही वाला है भैया, यही वाला। मेरे पास वहां चंडीगढ़ में सब कुछ था। आज का मेरा व्लॉग था ना ये। मनीष भैया भी अपना मुंह इधर उधर कर रहे हैं। सलम तुम हंस दो।